जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, हाय ओके क्या हाल है आपका? उम्मीद है सब बोर हो रहे होंगे घर बैठ बैठ के हमारी तरह। नहीं तो 9 तारीख का जुम्मे रात दिन है तो वीडियो बनानी तो नहीं थी मैंने, चल झूठा, मगर सुना था कि 14 को कर्फ्यू खत्म हो जाएगा तो उस दिन बनाएंगे। मगर ये लॉकडाउन आगे चला गया तो फिर मजबूरन बनानी पड़ी। तो बोर हो रहे हैं गाइस वेले बैठ बैठ के, मूवीज 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 बस और कुछ नहीं है। What the fuck? और कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, घर ही बैठे हुए हैं। ये भी अब हम अपने दूसरे घर आए हैं, देख ही सकते हैं, तो ये भी बन रहे हैं। और बाकी दोस्तों से भी दूर है, घर में भी कुछ वीडियो बनाने का मतलब नहीं, किसी में जा रही क्या वीडियो बनाए, क्योंकि अच्छा वैसे बना लेते हैं, बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत, कुछ चैलेंज तो समझ नहीं आता क्या करें। बाकी वीडियो बना लिया। और आप सुनाए आप कैसे जा रहे हैं क्वारंटाइन डे? क्वारंटाइन डे मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, माइंड नहीं करना आपने। बाकी क्या बताया आपको, रोज़े भी आने लगे हैं, रोज़े भी लॉकडाउन में, ऊपर से 10th वाले तो फ्री हो गए हैं, बाकी 11, 12, 9 पता नहीं पेपर होने भी हैं कि नहीं, सारे फंसे हैं। काश पेपर पहले हो जाते, अभी देख रहे हैं क्या होता है, पेपर होते भी हैं कि नहीं। उम्मीद तो है, मतलब दिल है कि ना हो, वैसे उम्मीद है कि हो जाएंगे आगे, फिर जो अल्लाह को मंजूर हुआ। तो गाइस बाकी तो कुछ नहीं कह सकते हम कब खुलेंगे, वैसे उम्मीद तो नहीं है कि अब ये जाके क्या कहते हैं इसको 21 तक या 30 तक बांध के, तो उम्मीद तो नहीं है कि 30 को भी खुलेंगे, बाकी देखते हैं अब जो मंजूर होगा अल्लाह को वही होगा, आगे हम तो कुछ कर नहीं सकते। और चलते फिरते आप घर देख लें जो मान रहे हैं, बाकी लाइफ एकदम बोरिंग जा रही है, रूटीन सारी ख़राब हो गई है हमारी। उठते हैं जनाब, कब उठते हैं? अभी 3 बजे तक उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और मूवी 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 नमाज पढ़ते हैं। बाकी आज शबे बारात है और आप सुनाए आप कैसे जा रहे हैं दिन? अभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही बात, कुछ ना समझ नहीं आ रही मुझे बात क्या करनी है, इसलिए जो भी बोल रहा हूँ सुनते जाओ बस, एनी का ब्लॉग है, सुनते जाओ बस, टेंशन नहीं लेनी, सुनते जाओ। और यार अभी तक मोबाइल की सेटिंग नहीं हुई, समझ नहीं आती कैसे पकड़ना है, एक मिनट है जो अब कैसे अब सही है। बाकी मज़े में है लाइफ, मूवीज देख रहे हैं नई जो आई है, हैक्ड आई है, एक स्ट्रीट डांसर आई है, बहुत आई है, नाम नहीं अब याद, देखी भी नहीं अभी तक, अभी देखेंगे। तो इधर क्या रोशनी आ रही है भाई, आई एम लुकिंग कई आउट। तो बाकी यही था आज का ब्लॉग, बाल भी देख सकते हैं, ये कई आउट में दिखाते हैं आपको, बाल भी देख सकते हैं आप, बड़े हो गए काटने वाले हो गए हैं, ये ऊपर से तो फिर भी बंदा ठीक कहते हैं यार, ये देखो कल में नहीं भी बंद है, दुकानें नहीं खुली हुई, हैशटैग सैड लाइफ। बाकी यही है, आपको हिदायत देते हैं कि घर रहे हमारी तरह, बोर हो घर बैठ के, बाहर ना निकले, और केसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं दिन में भी,
इधर तो फिर भी 12 घंटे का कर्फ्यू है, पता नहीं कितने का, 12 मुल्कों में तो कुछ कुछ मुल्कों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा हुआ है। तो इधर तो मेरे हिसाब से बस नाम का ही कर्फ्यू है, बाकी बाहर वाले मुल्क में सही कर्फ्यू लगा हुआ है। उधर सही सख्ती होती है, कोई मतलब अभी फालतू बाहर फेर रहा तो जुर्माना जेल में डालेंगे उसको, और जिस मुल्क का होगा उधर वापस भी भेज देंगे। बाकी इधर तो इतनी मतलब सख्ती, मतलब गुजरात में सख्ती नहीं है इतनी, बाकी और शहरों में है। वीडियो देखते हैं, डंडे सोटे मार रहे थे। बाकी इधर अभी शायद हम नहीं निकले बाहर इसलिए नहीं पता, या फिर है ही नहीं सकती। तो यही था बस आज का व्लॉग, गा रहे हैं इंजॉय करें हमारी तरह, बोल रहे हैं और या स्टे होम स्टे सेफ पीस अल्लाह हाफिज़।